और अब खबर ओलंपिक से, इंडिया मांगे गोल्ड। जी हां, ओलंपिक में आज की सुबह मायूसी के साथ साथ अच्छी खबर भी लेकर आई है, तो शुरुआत हम अच्छी खबर से ही कर लेते हैं, क्योंकि ट्रैक एंड फील्ड मुकाबलों की बात करें तो डिस्कस थ्रो में भारत की कमलप्रीत कौर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने 64 मीटर की थ्रो के साथ क्वालिफाइंग ग्राउंड में दूसरा स्थान हासिल किया और आसानी से फाइनल में जगह पक्की कर ली। भारत की एक और थ्रोअर है सीमा पुनिया, क्वालिफाइंग ग्राउंड में छठे पायदान पर रही हैं। इससे पहले बॉक्सिंग के मुकाबलों की बात करें तो भारत के हाथ फिलहाल निराशा लगी है, तो थ्रोअर की बात करें तो कमलप्रीत, सीमा पुनिया दो। सीधा चलेंगे राहुल मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। राहुल, अच्छी बुरी दोनों खबरें, हमने शुरुआत अच्छी खबर से की है क्योंकि उम्मीदें वहां पर बहुत ज्यादा जग चुकी हैं अब कमलप्रीत से। राहुल, बिल्कुल नवजोत, देखिए ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है किसी भी इंडियन ट्रैक एंड फील्ड एथलीट के लिए फाइनल में पहुंचना, क्योंकि मैं आपको उंगलियों पे गिना सकता हूं जिन एथलीट्स ने आज तक ट्रैक एंड फील्ड में इंडिया के लिए ओलंपिक फाइनल खेला हो। उंगलियों में जीता तो खैर कोई भी नहीं है ओलंपिक मेडल ट्रैक एंड फील्ड में, तो कमलप्रीत ने डिस्कस थ्रो में पिछली लंदन में कृष्णा पुनिया पहुंची थी आखिरी 12 में, तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है। पर क्या वो यहाँ से ओलंपिक मेडल जीत सकती हैं, ये देखना होगा। नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हैं कमलप्रीत इस वक्त फिलहाल, और जहाँ तक अच्छी खबर की है तो देखिए सीमा पुनिया जो सीमा अंटिल जो हैं वो अपना आखिरी ओलंपिक्स खेल रही हैं, काफ़ी सालों से ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं, आज उनका दिन नहीं रहा, उनकी उनका वो थ्रो नहीं रहा। पर कमलप्रीत से बिल्कुल जैसे आपने बोला आशाएं हैं, अब ये देखना होगा कि क्या वो मेडल की कंटेंडर हैं। अगर वो हैं तो एक बहुत ही आउटसाइड उनका चांस है मेडल के लिए, पर मुझे लगता है कि खबर अच्छी से ज़्यादा ना खराब ज्यादा बुरी खबर बड़ी है, क्योंकि अमित पंगल वर्ल्ड नंबर वन जो जब निकले थे हम सब सोच रहे थे कि यार ये हमारे एक बहुत ही बड़े मेडल कंटेंडर हैं, तो मुझे लगता है कि खबर झटका जो है वो बड़ा है खुशी से ज्यादा फिलहाल। बिल्कुल, और भारत को वही निराशा हाथ लगी है राहुल, और उसी का जिक्र हम आगे कर लेते हैं, क्योंकि अपनी ही कैटेगरी में दुनिया के नंबर वन बॉक्सर अमित पंगल प्री क्वार्टर फाइनल का मुकाबला हार गए हैं। उन्होंने 52 किलोग्राम वर्ग के कोलंबिया खिलाड़ी को से शिकस्त उनको मिली है। अमित ये बाउट 1-4 से हारे हैं। अमित पंगल पहला राउंड तो जीते लेकिन इसके बाद प्रभास ने शानदार वापसी की, उन्होंने अमित को सेट होने का मौका ही नहीं दिया। नंबर वन बॉक्सर हैं वो इसी कैटेगरी के, और इसीलिए राहुल बाज की हम कर रहे थे ये निराशा यकीनन बड़ी, क्योंकि उम्मीदें यहां से भी लगाई जा रही थी। राहुल, बिल्कुल, और बिल्कुल, और नवजोत जब हम ओलंपिक्स की कंटेंडर्स की लिस्ट बना रहे थे या डिस्कस करते हैं तो उसमें अनबॉक्सिंग में हम एक मेडल अमित पंगल से एक्सपेक्ट कर रहे थे, आज वो थोड़े डिफेंसिव लगे शुरुआत में, और क्योंकि यूजुअली अमूमन वो ऐसे नहीं है, उनका गेम जो है वो अटैकिंग है। क्या उन्होंने स्ट्रैटेजिकली ये डिसीजन लिया था कि मैं अपने ओपोनेंट को शुरुआत में मौका दूंगा मारने का ताकि वो थोड़े थक जाएं जैसे ही राउंड आगे आगे बढ़ता रहे, पर वो स्ट्रैटेजी उनकी काम नहीं आई, या ये स्ट्रैटेजिकली डिसीजन था या फिर उनके ओपोनेंट ने उनको अटैक करने का मौका नहीं दिया, ये देखना होगा। पर ये झटका बहुत 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 बड़ा है क्योंकि बॉक्सिंग में आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, देखिए लवलीना बोरगोहाइन ने जो कल किया है वो एक काबिले तारीफ अचीवमेंट है, पर अमित पंगल बहुत बड़ा झटका। बिल्कुल, शुक्रिया राहुल। और इस बीच ये भी बता दें कि भारत को तीरंदाजी में भी मायूसी हाथ लगी, क्योंकि तीरंदाजी में मेडल जीतने का सपना टूट गया है। अतनुदास प्री क्वार्टर फाइनल का मैच हार कर बाहर हो गए और उन्हें जापान के ताकाहारु फुरुकावा के हाथों हार मिली है। ये मुकाबला शूट ऑफ में पहुंचा था जिसमें फुरुकावा बाजी मार गए। और वहीं आज बैडमिंटन में नजरें टिकी रहेंगी क्योंकि पीवी सिंधु से उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, चीनी ताइपे से उनका आज मुकाबला है। चलिए मेडल टैली पर एक नजर डाल लेते हैं। चीन सबसे ऊपर है कुल 41 मेडल्स के साथ, जापान दूसरे नंबर पर 28 मेडल्स के साथ, अमेरिका 44 मेडल अमेरिका के खाते में है, और भारत के पास सिर्फ एक, चानू ने अभी तक सिल्वर मेडल जीता है लेकिन और की उम्मीद फिलहाल की जा रही है। तो आज सेमीफाइनल में खेलने उतरेंगी पीवी सिंधु, एक और मेडल की उम्मीद उनसे भी है। दोपहर 3:20 पर उनका यह मुकाबला शुरू होगा। चीनी ताइपे की
यूजिंग से उनका मुकाबला होगा। गोल्ड की उम्मीद इस बार उनसे की जा रही है क्योंकि रियो में सिल्वर मेडल उन्होंने जीता था। फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।